Bye. का पैकअप हो रहा है और हमारा अभी भी शूटिंग जारी है। हम जा रहे हैं मुंबई की जान और शान लोकल ट्रेन से। वैसे भी मुंबई में दूर जाना हो तो इससे बेहतर कोई भी रास्ता नहीं है और हम पहुंच चुके हैं चर्च गेट स्टेशन। और कहां जा रहे हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं मेरे दोस्तों का। अभी तो मेरा ब्लॉग करने का प्लान नहीं था लेकिन आई एम वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम और हम जाने वाले हैं अर्बनाथ फेस्टिवल में। आपको कितनी आवाज आ रही है पता नहीं, ये देखो ट्रेन आ रही है जा रही है, लोगों की आवाज है। छुट्टी का दिन होके भी बहुत ज्यादा भीड़ है यार और मैं बहुत देर से 4-5 ट्रेन आके गई और मैं बोर हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। फाइनली आज जाने वाला है, बहुत दिन से सोच रहे थे जाने का, तो देखते हैं अभी ये लोग कब आते हैं। ये है वो दोनों जिन्होंने इतना इंतजार करवाया और ये है कोकण का चेतन, इसका यूट्यूब चैनल है मराठी और वो उसका दोस्त है अजय। चर्चगेट स्टेशन के बाहर से ही हमने टैक्सी पकड़ ली क्योंकि बस तो जाती है लेकिन पता नहीं कहाँ से कितने बजे कितना फ्रिक्वेंसी है और मुझे जल्दी जाना था क्योंकि सनलाइट चला गया तो फिर बाद में शूटिंग नहीं अच्छे से होगा। और आप ये मुंबई का नज़ारा इंजॉय कीजिए। एंड हियर वी आर, पहुंच चुके हैं हम ससून डॉक्स के यहाँ पे जहाँ पे अर्बनाथ फेस्टिवल है। मेरे पीछे देख सकते हो और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, यहाँ से हम जाने वाले हैं और बीच बीच में एडिशन होती जा रही थी इसीलिए हम लेट विजिट करने आए क्योंकि अभी सब पेंटिंग्स बन चुकी है तो हम अभी वही देखने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, फिफ्थ तक रहने वाला है लेकिन कुछ चीजें बनने के प्रोसेस में थी एंड फाइनली इट इज कंप्लीट नाउ, दैट्स व्हाई वी आर विजिटिंग टुडे। आप पीछे देख सकते हो पूरा लाइन बढ़ता जा रहा है, वहां तक पीछे कहीं तक लाइन है और हमारा नंबर कहीं पे यही पे होगा शायद, तो मैं लाइन छोड़ के आई हूँ, मेरे दोस्त खड़े हैं लाइन में और पूरा ऐसा वॉल्स को पेंटिंग किया गया है। आप पीछे देख सकते हो सनलाइट की वजह से कितना अच्छा दिखेगा पता नहीं लेकिन यू कैन सी। तो एक्चुअली पता नहीं माइक को क्या हो गया, आवाज कट गई बीच में। तो ही वॉज टेलिंग अबाउट कि आज का जो पूरा कैपेसिटी था 10,000 पीपल का वो ऑलरेडी प्री बुक हो चुका है ऑनलाइन बुकिंग में ही, तो इसीलिए यहाँ पे आके जो डायरेक्टली रजिस्टर करते हैं उनका बुकिंग बंद कर दिया है और ऐसे लोगों को वापस जाना पड़ा है। तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगी कि प्री बुक करके ही आना, नहीं तो फिर खाली वक्त आओगे और वापस चला जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली दो लाइन है, वो ब्लू बिल्डिंग है वहाँ पे एक अलग से लाइन है और ये जो हमारी लाइन है, मतलब मैं अभी लाइन में नहीं हूँ, तो ये एक लाइन है। और इस साल का थीम है बिटवीन द सी एंड द सिटी। फाइनली वी आर गेटिंग एंट्री और ये देख सकते हो अभी लंबी लाइन बन चुकी है, मैं दिखा भी नहीं सकती उतनी लंबी है। हाँ कहीं पे दूर, अच्छा सगा है ना स्टैम्प पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड असल तेरी स्टैम्प पे रजिस्टर्ड है तो काम लेके आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा और जब भी जाओगे दूसरे बिल्डिंग में भी जाओगे ना तो वहाँ पे आपको रजिस्टर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टैम्प दिखा के जा सकते हो। ओके उस टाइम कोटा में जाओ तुम्हें जरूरी है रजिस्टर आज से 1:30 तक आएगी। ओके फर्स्ट फ्लोर बट फॉर ऑल ऐसे लिखा हुआ है इस पे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भ्रम यानी कि इल्यूजन के बारे में है जो भी बना हुआ है और हर जगह पे जहाँ पे जाओगे वहाँ पे जो भी बना हुआ है उसके बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। और अगर आप डिटेल में आर्ट समझना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमें समझता नहीं है तो वो डिटेल में समझने में इंटरेस्ट है तो आप गाइड के साथ में भी यहाँ पे आ सकते हो एग्जैक्टली समझने के लिए।
मेड मेडिटेशन स्पेस, यू कैन सिट ओवर देयर और यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत से पेंटिंग्स बनाई हुई है एज यू कैन सी। मैं कैमरा से ज़्यादा उधर ही देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखते हुए। और यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन स्पेस बनाया है, तो अगर आप चाहो तो शूज उतार के वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। और डार्क रूम्स ऐसी बहुत सारी देखने को मिलेंगी आपको। और कौन सा आर्ट फॉर्म किसने बनाया है, किसके आइडिया है, किसका इलस्ट्रेशन है, ये सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर आप मुंबई के ना हो और आप यहाँ पे विजिट ना कर पाओ तो आपको आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में पता चले। यहाँ पे ढेर सारे मिरर्स लगाए हैं, मुझे हर जगह पे मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तो बेसिकली द आइडिया इज, यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स लगे हैं, तो आप मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आपके बैकग्राउंड में वो दिखेगा बैकग्राउंड की तरह, और आप फोटो खिंचा सकते हो या फिर ऐसे ही देख सकते हो। अभी हम इस बिल्डिंग के पास है और वहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि मच्छी का स्मेल बहुत है यहाँ पे। मच्छी मार्केट भी है जो शायद सिर्फ सुबह खुलता है, जिनको आदत नहीं है तो आपके साथ अपने साथ मास्क लेके आइए। तो अभी मैंने वही सोचा कि आपको पहले जो सनलाइट में दिखाना ज़रूरी है, जैसे कि ये बाद में लाइट चली जाएगी तो नहीं दिखेगा, इसलिए हम पहले यहाँ अगर आप डायरेक्टली फिजिकल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे आके ही रजिस्टर करना चाहते हो, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। और फाइनली ये ब्लू बिल्डिंग के सामने वाली लाइन से भी हमारा नंबर आ गया, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। एंड लुक एट दिस, ओ माय गॉड हाउ ह्यूज इट इज। और ये कुछ फिश नेट रहता है वैसे टाइप में बनाया है, और देख तो ये प्लास्टिक का है, पहले लगा था कोई मोटा सा कागज होगा, लेकिन लुक एट दिस, वाओ जस्ट अमेजिंग। और इसके बाद में जो है वो रूम, ये जाने के बाद मुझे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम आता है ना ड्राइंग वाला, वो याद आ गया। तो ये आप ऐसे देखने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे देखना ही नहीं है। लुक एट दिस, ये मिरर इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि आपको वो, जैसे कि वहां पे नो सेल्फी जोन लिखा है, वो आपको मिरर में सीधा पढ़ने को आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको डार्क रूम में रेजिन आर्ट से बने हुए समुद्री जीव दिखाई देंगे। तो अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग काम है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बोला है मैंने इन्फॉर्मेशन। और ये रूम्स जो है वहां पे आपको साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब सुनने को मिलेंगे। एंड लुक एट दिस, ऐसे लग रहा है ना सांस ले रही है जमीन, सच में ऐसे दिखा तो बताओ क्या होगा। ये पाइपलाइन का भी कुछ आर्टवर्क बनाया हुआ था, लेकिन मेरे पास से वीडियो मिस हुआ है। एंड जो फेस आप नीचे से देख सकते तो वो ऊपर से भी देख सकते हो। और सबसे अमेजिंग आर्ट, मतलब सभी आर्ट अच्छा है, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है सचमुच वाला। ये देखो बिल्डिंग, इतना ज्यादा माइन्यूट वर्क किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल्स, ऐसे रियलिस्टिक लगता है पूरा। हर एक बिल्डिंग जो बनाया है वो एक, मतलब अलग अलग टाइम के बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आगे के सेक्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, कुछ स्टोरी कुछ बताने की कोशिश की गई है उसमें। एंड उसके ऊपर के फ्लोर में आप यहाँ पे पूरा, मतलब समंदर के अंदर वाला फील ले सकते हो, पूरा पिंक लाइट किया हुआ है। एंड समुद्री जीवों के बीच आप होंगे, एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी आपको साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से सामने का नज़ारा है समंदर
अंदर का, तो अगर आप टेरेस पे जाओगे तो आपको वो भी व्यू एंजॉय करने को मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद आपको सुकून मिलेगा, और यहाँ की वॉशरूम्स को भी छोड़ा नहीं है इन्होंने, यहाँ भी आपको कलाकारी देखने को मिलेगी। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, भीड़ है, लोग है, अभी भी आ रहे हैं। पहले 3 स्लॉट्स में रहता था, लेकिन अभी तो पूरे दिन के लिए आप एक टाइम पे ही पास बुक कर सकते हो। और मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पास बुक करके ही आओ, नहीं तो आज के जैसा हुआ कि यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो लोगों को वापस जाना पड़ा। यहाँ पे भी बड़ी लाइन है लगी हुई, तो देखते हैं कितना टाइम जाएगा अभी पता नहीं, लेकिन दिस इज द लास्ट लोकेशन। पीछे एशियन पेंट्स का टैग लगा हुआ है क्योंकि दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय एशियन पेंट्स। वो जो लास्ट में हमने देखा वो एशियन पेंट्स का ही था ऑब्वियसली, मेरे ख्याल से वो डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। वीडियोस में उतना नहीं देख सकते जितना यहाँ पे आओगे, सूरज की रोशनी में सनलाइट में इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो शाम मत करना, जल्दी आ सको तो आ जाना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और 22 फरवरी तक है 22nd वेब तक, तो ऑनलाइन बुक करके ही आना। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए।